हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? एसएससी टायर टू, आई एम इंदौर, आईपी मैट जो होते हैं हमारे 12th के बाद, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक। ठीक है जी, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आइए एक बार करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? पहला नंबर हमें गिवन है, दूसरा नंबर हमें गिवन है, तीसरा हमें गिवन नहीं है। हमें इन तीन नंबर्स का क्या गिवन है बेटा? एलसीएम गिवन है 12 की पावर 12। तो हमें हमसे ये पूछा गया थर्ड नंबर कितनी तरह से हो सकता, थर्ड नंबर की कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो नंबर लें हम थर्ड, तो एलसीएम चेंज ना हो। एलसीएम क्या रखना है हमें? 12 की पावर 12। और इसी का सेकेंड पार्ट क्या है? हमें थर्ड नंबर की मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, और इसी का थर्ड पार्ट क्या है? हमें थर्ड नंबर की मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 6 की पावर 6, 6 तो एक कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 × 3 की पावर 6। इसको क्या लिख सकते हैं? शाबाश बताइए, 2 की पावर 6 × 3 की पावर 6। 8 क्या होता है? शाबाश बताइए, 3, और उसकी पावर भी 8 है, 2 की पावर 24। और 12 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ये जो थर्ड एलसीएम दे रखा है, 2² × 3 की पावर 12, तो a × b की पावर n जो होता है, n दोनों के ऊपर आएगा, 2 स्क्वायर के भी ऊपर 12 आएगा, तो 2 की पावर 24 बन जाएगा ये। ठीक है, क्या बन जाएगा? 2 की पावर 24 × 3 की पावर 12। ठीक कह रहा हूं? अब ध्यान से देखना है, 2 की 24 तो ऑलरेडी आ चुकी है, देखो कहां पे आ चुकी है, सेकंड नंबर में। तो थर्ड नंबर में 2 की 0 से लेके 2 की 24 तक कुछ भी आ जाए, हमें कोई फर्क, क्योंकि हमारे एलसीएम में 2 की पावर 24 है, जो कि सेकंड नंबर में हमें मिल चुका। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो एलसीएम में 3 की पावर 12 है, लेकिन वो पहले दो नंबर में अभी तक नहीं आया है, तो हमें थर्ड नंबर में 3 की पावर 12 तो रखना ही रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर में 2 की 0 से लेके 2 की 24 तक, 2 की 24 तक कुछ भी आ सकता है। मतलब थर्ड नंबर मैं लिखना चालू करूं, 2 की 0 × 3 की 12 भी लिख सकता हूं, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि सर 2 की 1 ले लो, एक पॉसिबिलिटी 2 की 2 × 3 की पावर 12, ऐसे चलते 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 2 की 24 × 3 की पावर 12। तो बहुत बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं कि 2 की 0 से शुरू हो रहा है तो 2 की 24 तक जाएगा, तो 24 पॉसिबिलिटीज हैं या 25 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 0 भी तो है ना उसका एक पार्ट, 2 की 0 जो कि 1 होता है। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बेटा? 25। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ थर्ड नंबर? तो हम क्या लगा के आएंगे? 25 बोलो। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर, अब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर में 2 की क्या लूंगा 0 पावर लूंगा, 2 की 0 × 3 की 12। तो 3 की 12 आपको याद नहीं रखना, आंसर में मिल जाएगा आपको 3 की 12। ठीक है, सीधा सीधा भी मिल सकता है, घुमा फिरा के भी मिल सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 की पावर 12 को किस मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा हो, कोई भी मॉडिफाइड करके दे दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर क्या होगा बोलो? 2 की पावर 24 × 3 की पावर 12। तो ये हमारे तीन आंसर हो गए हैं, इस तीन पार्ट्स के ये आंसर्स हैं। बोलो, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अभी इतना बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा एक और करते हैं अभी हम।